भेज दियो ठीक है ना, तो लाइक सब्सक्राइब कर दे रहो। जो कल जीतांगे वीडियो फिर बनावांगे, जो माड़ा कल जीतने तो बाद जो अगला मैच होना साढ़े नाल इंग्लैंड नाल, वो अल्लाह के करनल उन जी बहुत अच्छे लोग ने, उन जी डिगे पे हैं, इंडिया के डिगे पे ने, उन्हें सानू उन जी कहना ले जाओ जी मैच ताडे हाथ थाली रख दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जनाब, ठीक हो कि नहीं? कल जनाब बड़ा ही वड्डा मैच है, कल मतलब है कि भारत ते पाकिस्तान का मैच है। नहीं है गल गलत है, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है जनाब, बहुत ही लग्जरी मैच होना है और पाकिस्तानी तरी कल कतनी है, ले कैसे कतनी है कि जनाब कतनी कतनी हो जाना है। अगर कल पाकिस्तान मैच जीत गया तो इंडिया का जरा मीडिया ने रौला पाया कि पाकिस्तान फर्क टीम है, फाइव पाकिस्तान छोटे बच्चे ने, उन्हों का मूँह सिलाई हो जाना है, समझे कि नहीं? तो तमाम दोस्तों की यही गुजारिश है कि दुआ करो कि यार कल पाकिस्तान मैच अच्छे रन रेट तो जीते और काफ़ी ज़्यादा पहले ओवर तो मंगा के उन्होंने बाय बाय टाटा कर दे। और एक मसला भी है कि जनाब आज जरा अफगानिस्तान नैदरलैंड का मैच होया है, अफगानिस्तान ने जनाब अच्छी बैटिंग की है, उन्होंने अच्छी बैटिंग की सू गल मननी चाहिए ठीक है ना, वो गल बाद देखूँ किस तरह खेले ने जो भी लड़ाई की है, उन्होंने बैट्समैन ने उन्हें अच्छी बॉलिंग उन्होंने जो बैट्समैन ने उन्हें अच्छी बैटिंग की है, फील्डिंग अच्छी की है, बॉलिंग अच्छी की, इस वजह वो मैच जीत गए हैं। उदा नुकसान है होया जनाब के रन रेट फ़र्क पिया, पॉइंट टेबल फ़र्क पिया, लेकिन उन्होंने जो अगले दो मैच ने एक साउथ अफ्रीका ने और एक आस्ट्रेलिया ने, तो मैं यकीन नहीं पक्का पक्का पता कि इंशाल्लाह वो हार जाएंगे, तो फिर भी पाकिस्तान को चांस ने, लेकिन अगर पाकिस्तान कल का मैच हार गया तो कोई नहीं, सब ऐसी एयरपोर्ट की टिकटा करानी उन्होंने यहाँ से स्पेशल, तो अपने अपने शहरों जो स्पेशल लैन नहीं आने हैं, क्योंकि अगर कल हार गया तो वड़ गया वड़ गया और वड़ गया। अगर न्यूजीलैंड की आ गई बैटिंग तो उन्होंने जनाब एक मखसूस वैल्यू के बेच मतलब एक मखसूस वावर जो मुकसर किए ने आउट करना उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान ने भी एक मखसूस आवड़ा चाहिए काम मुकाना है, अगर इस तो अगे पिछे काम हो गया तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उस तो बाद न्यूजीलैंड की वही खुशखबरी सूँ आई है जनाब सुनने खबरों से, उन्होंने जो पांच प्लेयर ने ना पांच प्लेयर वो बेचारे अनफिट हो गए ने, किसी जनाब उंगल ऐन हो गई है, किसी की कूनी चुट गई है, किसी ने सर्जरी करानी है, किसी का उंजी खराब हो गया। तो अगर जनाब कल जीत गए तो कल बड़ा ही चस आनी है, चस आनी है, मज़ा भी आना है कि तमाम इंडियन जी कमेंटरी है ना उनकी जबाना बंद हो जानी है ठीक है ना। तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि मैं वीडियो नहीं लंबी नहीं बनावा ना इन्हें दसागा कि बॉलर ने कि तब दोस्तों ने पता भी हाडे बॉलर कितने अच्छे ने, अच्छा फार्म से आए हैं तो फार्म इन्हें मुकलगे पता नहीं चलता है, तो बस इन्हों की फार्म अल्लाह 10 दिन रह गए ने वर्ल्ड कप के कैम रखे और वर्ल्ड कप जीत के आन, तो मज़ा ता है कि जीतने तो बाद अगला मैच भी जीतने तो साढ़ा सेमीफाइनल आए इंडिया नाल, असं पिछे जो इंडिया कहते हैं बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो उ मज़ा फिर दसागे जनाब बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो उन्हें जनाब ऐसा मज़ा चखावे जो सरफराज अहमद की कप्तानी से असी दसिया से इन्हों। तो एक गल हो रही है बाबर आजम अच्छा प्लेयर है ठीक है ना, उन्होंने प्रैशर से ना लियाओ, प्रैशर से लाओगे हाँ नुकसान होगा भरावा आप ही 0-0 से आउट होएगा तो असं फिर गाला क्डा, उसकी कप्तान से असं बेशुमार कप जीते ने, काफ़ी ज़्यादा वनडे T20 मैच जीते ने ठीक है ना, सारी गल उतार चढ़ाओ जिंदगी जनाब हिस्सा हूँ तुम आखो हर दफा जी बाबर सेंचुरी मारेगा मैं जीता गए अल्ले बंदे बाकी भी प्लेयर है ने 10 वो घरों खीर पकान नहीं है या खान नहीं है उन्हें उन्होंने भी खेलना है, इस वजह जनाब कोशिश करया करो कि गलत अल्फाज या गलत यूज़ ना कराओ कमेंट्स के जाके भाई उन्हें इंज कर दिता गाला कडोगे कि मतलब बुरी गल ना, दूसरे जो मालिक ने सोचने बारे कि अगे भी बड़ा अच्छा सोचते हैं
लेकिन कोशिश करो कि ना कहना करो। तो बाकी वीडियो तो ना मुकाने इंशाल्लाह कल जीतन तो बाद मेरे जनाब चैनल थले माशाल्लाह तक कमेंट्स भी कर दियो, लेकिन पाकिस्तान की खुशखबरी जो कोई मिठाई शिठाई भेज दियो ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो, जो तो कल जीतेंगे वीडियो फिर बनावेंगे जरा माड़ा। कल जीतने तो बाद जो अगला मैच होना है हाड़े नाल इंग्लैंड नाल, वो अल्लाह के करने उंजी बहुत अच्छे लोग ने, उंजी डिगे पे हैं, इन्नी भी डिगे पे ने, उन्हें सू उंजी कहना ले जाओ जी मैच ताे हाथ थाल च रख दे देना। तो दुआ करो कि अगर हाडे कल जे बालर ने चार स्पिनर नहीं, मेरे ख्याल कल टोटल फास्ट बालर ने चार हार सटाऊ ने, उस तो बाद शहीन फरीदी है, उस बाद वसीम जूनियर एक एक होर अभी हो उन्हें पक्का फैसला नहीं किया। तो कल जो उतरन गए मैदान से तो आउट ही होंगे, समझ रहे हो समझ भूल गए जनाब। कल बैंगलोर से बारिश भी है, एन एशिया कप वाला हिसाब हो जाए बारिश नहीं कम खराब हो जाए। तुम दुआई करो अगर बारिश होंगी है तो पहले पाकिस्तान की अगर बैटिंग आती है तो उन्होंने अच्छा एक स्कोर देन बना के अगर ओवर कम होंगे ने तो स्कोर फिर भी काफ़ी अच्छा होए कि इन्नी जल्दी चेंज ना कर सकें जल्दी आउट कर दीए। तो अगर ओवर पूरे खेलते ने फिर पाकिस्तान कम से कम 350 तक स्कोर लाजमी लैके जाना खिंचते रू के, तो वरना तो सब नूं पता है तो हार गए तो बढ़ गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।